नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हनी ट्रैप के मामले में जबरदस्त हंगामा है। मध्य प्रदेश में 5 महिलाओं पर FIR हुई है। वो इंदौर के पलासिया थाने में है। ATS उनसे पूछताछ कर रही है। नए अपडेट के साथ कुछ सूत्र ये बता रहे हैं, कुछ मंत्रियों और अधिकारियों का इसमें जिक्र हो रहा है। कुछ वीडियो इन महिलाओं से मिले हैं जो बेहद आपत्तिजनक है। यह महिलाएं मंत्रियों और अधिकारियों को उनके साथ हम बिस्तर होकर वीडियो बनाती थी, उनको ब्लैकमेल करती थी। इन तमाम चीजों को लेके पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, एक महिला छतरपुर की है, एक भोपाल के कांग्रेस परिवार से जुड़ी है, तो एक का वजूद सागर की धरती पर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी में रही है। उसके संबंध तत्कालीन समय में मंत्रियों से रहे हैं और 2012 की अगर यहाँ चर्चा देखी जाए तो उसके संबंध यहाँ सागर कलेक्टर से भी चर्चाओं में रहे। फिलहाल उसको लेके और तमाम महिलाओं को लेके पुलिस जांच कर रही है। सागर की जो महिला है उसका 2013-14 में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी हम कुछ झलकियां दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश हनी ट्रैप के मामले में बदनाम हो चला है। देखिए खास पेशकश सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। कभी विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को लेके मेनका अप्सरा को भेजा गया था, लेकिन अब तपस्या नहीं बल्कि राज उगलवाने के लिए मंत्री नेताओं अधिकारियों के संपर्क में खूबसूरत जिस्म से लबरेज महिलाओं को इन रसूखों के संपर्क में लाकर जिस्म फरोशी करवाई जाती है, जिसे बड़े प्यार से लोग हनी ट्रैप कहते हैं। बीते दिनों हनी ट्रैप को लेकर मध्य प्रदेश में बवाल है, जहां 5 महिलाएं जो जिस्म फरोशी का धंधा हाई प्रोफाइल तरीके से चलाती थी, फिर अधिकारियों के साथ हम बिस्तर होकर उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी। इंदौर नगर निगम के एक बड़े अधिकारी ने इसकी शिकायत पलासिया थाने में की थी। कुछ महिलाएं उसका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दे रही थीं और 2-3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थीं। इस मामले को ATS को सौंपा गया, जिसमें ATS की टीम ने 5 महिलाओं के साथ अमित सोनी, जो कांग्रेस के नेता है, उनका नाम भी सामने आया था, उनकी पत्नी बरखा भटनागर जो कांग्रेस के लिए काम करती थी, उन्हें भोपाल से हिरासत में लिया है। साथ में सुविता जैन, सुविता स्वप्निल, आरती यादव को भी हिरासत में लिया है। 3 महिलाओं को भोपाल तो 2 को इंदौर से हिरासत में लिया गया था। इन महिलाओं के पास से जो वीडियो फोटो मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इसमें कुछ मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों के चेहरे उजागर हो सकते हैं। यह महिलाएं खुद भी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हम बिस्तर होती थीं, साथ ही कुछ काल गर्ल्स हायर करके रसूखों की रात रंगीन बनाती थीं, फिर उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती थीं। सभी महिलाओं की जिंदगी ऐसो आराम से गुजर रही थी। इन महिलाओं में एक महिला सुविता जैन है, जो सागर की है। इसका सागर में भी जिस्म फरोशी को लेकर हल्ला था। 2012 और 2014 में इसके संबंध सागर के तत्कालीन कलेक्टर से होना भी चर्चाओं में रहे थे। कुछ मंत्रियों के साथ भी इसके संबंध है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें इसके ड्राइवर के साथ यह रात भर हम बिस्तर रही थी। कुल लिहाज से सागर की धरती को अपने नापाक इरादों से बदनाम करने वाली यह महिला सागर से 2014 में भोपाल जाकर शिफ्ट हो गई। यह गजब की खूबसूरत बड़ा थी और इसके नाज नखरों पर तत्कालीन समय में सागर का युवा वर्ग फिदा था। अब यह ATS के शिकंजे में है। इस युग की मेनका अब तपस्याएं नहीं बल्कि जिस्म बेचकर धंधा करती हैं, और यह विश्वामित्रों को नहीं बल्कि उन रसूखों के बिस्तर गर्म करती हैं, जिनके हाथ में प्रदेश की किस्मत है। ATS की जांच के बाद कई नाम और उजागर होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के कई नेताओं के कारनामे भी उजागर हो सकते हैं। ATS के हाथ अब मध्य प्रदेश का जिस्म बेचने वाला सबसे बड़ा गिरोह हाथ लगा है, जो बेहद हाई प्रोफाइल तरीके से अधिकारियों और मंत्रियों के बिस्तर गर्म करता था। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज।
कि वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।